नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बस चल रहा है यार। यार कब कॉलेज खत्म हो गया, डिग्री भी मिल गई, पता ही नहीं चला। अरे छोड़ना यार, फिर कब मिलेंगे? क्यों, अपन दोनों एमबीए करने वाले ना। अरे एडमिशन तो यूं मिल जाएगी यार। यार मार पापा नहीं मानेंगे, वो तो कहते कि बहुत पढ़ाई हो गई। अब घर की फैक्ट्री और बिजनेस संभाल और हमारे पास ही रहे। इंदर, उनको पटा लेना किसी भी तरह, सिर्फ 2 साल की तो बात है। पापा को तो पटा लूंगा लेकिन माँ इम्पॉसिबल, उल्टा वो मुझे रोकने के लिए पता नहीं इस वक्त क्या क्या कर रही होगी। साफ है, ग्रह दशा भी उत्तम है। जजमान, मुझे तो आपके सुपुत्र के विवाह में कोई बाधा दिखाई नहीं देती। एक के साथ नहीं, कम से कम एक दर्जन लड़कियों के साथ कुंडली मिला चुकी होगी लड़के की माँ, तो आपत्ति क्या है? आपत्ति है, इसीलिए तो सारा पूजा पाठ करवाया था। पंडित जी, सबसे बड़ी आपत्ति लड़का खुद है। ऊपर से आपने लड़के की माँ को कह दिया कि शादी इसी साल होनी चाहिए, वरना 15 साल तक शादी का कोई योग नहीं। अब माँ है कि शादी करवाने पर तुली पड़ी है और बेटा है कि शादी करवाना नहीं चाहता। ये मेरा इकलौता बेटा इंदर। बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। ये बीकॉम करके आया बैंगलोर से फर्स्ट क्लास में। ये आगे पढ़ना चाहता है लेकिन मेरी बीवी चंडिका, मेरा मतलब चंद्रिका, घर में बहू लाना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आता मैं इसकी बात मानूं या इसकी। आप मेरी कुंडली देखकर बताइए ना क्या करना चाहिए। इंदर, अरे सुन तो, सैंडविच खाएगा? नहीं। समोसा लाओ? नहीं। कैसे खाकर आए क्या? मुझे भूख नहीं है माँ। ये तो बुरी बात है ना, 2 घंटे से ज्यादा पेट को खाली नहीं रखा। माँ मुझे भूख नहीं, आई डोंट वांट टू ईट। अब इसे क्या हो गया? अरे भूख हड़ताल करके किसे डरा रहे हो? और हमें डराकर अपने आप को क्या समझते हो, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? जा जाकर खाना खाओ ना यार। कह दिया ना मुझे खाना नहीं खाना। लेकिन बात क्या है भाई? डैड, मेरी माँ जो है हमेशा शादी के बारे में बात करती रहती है। शादी के बारे में? लेकिन तुम्हारी शादी तो हो चुकी ना मेरे साथ, कमाल करती हो। मजाक मत कीजिए पापा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे एमबीए तक पढ़ने देंगे या नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं 10वीं क्लास में 11 बार फेल हुआ था।
फिर भी सात पुरखों तक किसी को कमाने की जरूरत ना पड़े इतना जरूर कमा लिया। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया। और ये देखो, चलो देखो देखो देखो, इतनी सारी लड़कियों में से कोई लड़की तो पसंद आएगी ना, मैं तुम्हारी पसंद अभी और इसी वक्त जानना चाहता हूँ। देखो चलो देखता, अब मैं अपनी पसंद अभी इसी वक्त बता देता। हाँ मुझे सब पसंद है, कराओ मेरी शादी सभी लड़कियों के साथ। शर्म अपने बाप से इस तरह से बात करोगे, इतनी बदतमीजी से पेश आओगे तो जान ले लूंगा तुम्हारी। हाँ, हाँ, मार डालो मुझे, जान ले लूंगा। हाँ, मार डालूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। सुनिए सुनिए जी। क्या सुनिए? जो लड़का अपने माँ बाप का कहानी मानता उस पर क्या दया खाए। ओफो, आप एक बार आइए तो, यहाँ आइए ना, बाहर आइए। क्या है? आप खामा का क्यों उससे बहस किए जा रहे? अगर वो पढ़ना चाहता है तो ठीक है, करने दीजिए उसे पढ़ाई। उसे पढ़ाई करने दूं? क्या कहा? अगर वो पढ़ाई करना चाहता है तो करने दीजिए उसे पढ़ाई, ये आप खुद जाकर कह दीजिए। ठीक है, मैं जाकर उसे बता दूंगा, लेकिन बाद में अपना इरादा मत बदल देना। नहीं अब चाहिए। अरे यार, मां मान गई? डैड, मुझे यकीन नहीं आता हमारा प्लान इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हुआ। ए, प्लान हमारा नहीं था, तुम्हारा था, सिर्फ तुम्हारा। और एक चेंज तुम्हारा दिमाग मुझे जरा ज्यादा चला। ठीक है तो आज से आप मुझे पापा बुला सकते। क्या बोला? पापा, तेरे को पापा बुलाऊंगा। हां बेटे को पापा बुलाऊंगा, उल्लू के पास ले पकड़ ले पकड़। मां मां, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो? तो मैं पढ़ने के लिए जाऊं? हाँ जाओ, पर एक बात सुन लो, अब मैं तुम्हारी शादी तब करवाऊंगी जब तुम हाथ जोड़कर मुझसे मिन्नत करोगे, समझे? माँ यू ग्रेट, और तब तुम लक्ष्मी जैसे बहू लाना मेरे लिए जो तुम्हारा सारा काम संभाले। हाँ माँ, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। नहीं दोगी? थैंक यू माँ। तुम तो खामखा इतनी जल्दी घबरा गई, थोड़ा और डांटने दिया होता तो एकदम मान जाता। जाने दीजिए जाने दीजिए, आप दोनों ने आज जो पकाया है उसे तो मैं निगल गई हूँ, और अब मैं जो पका रही हूँ उसे आप निगल कर बताइए। बच गया सारा, आज तो गया। हाँ कौन है आप, क्या चाहिए आपको? कर्नल आशीन है, आपने मुझे नहीं पहचाना? ओ, ओ जेठी साहब, चतुर्वेदी हरि प्रसाद है ना? आइए आइए, हमको मिले कितने साल हुए बताओ, बता। बहुत बहुत साल हुए। बहुत यानी एक्सैक्टली 34 years। अरे वाह, क्या याददाश्त है तुम्हारी है? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ लेकिन तुमको यहाँ चाय पानी पूछने वाला कोई भी नहीं है, वो तो चली गई। नायक, भाभी जी को गुजरे हुए कितने साल हो गए? 20 साल, इस गुरु पूर्णिमा को 20 साल पूरे होंगे। अच्छा। जानते हो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, शरीर को शमशान तक नहीं ले जाने दिया, 3 दिन तक उसका हाथ पकड़ कर बैठा रहा, अभी उठेगी अभी उठेगी। आखिर लोगों ने मुझे इंजेक्शन मारकर सुलाया और उसे जलाया। उस दिन से मैं थोड़ा पागल हूँ। तुम कौन है? मैं ये मेरा बेटा है लल्लन। अब ये क्या करता है? अरे मैंने इसे अभी अभी MBA के लिए एडमिशन दिलवाया इसी शहर में, और मैं नहीं चाहता कि ये किसी होटल या हॉस्टल में रहे। अचानक मुझे याद आया कि मेरा दोस्त कर्नल नायर इसी शहर में रहता है, तो मैं तुम्हारे पास चला आया। ये तुम्हारे पास रह सकता है? देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो रहने दीजिए। तकलीफ? देखो चतुर्वेदी और मैं एक साथ एक ही बेंच पर 5 साल पढ़ा है,
चतुर्वेदी का बेटा मेरा बेटा भी लगता है, तुम्हें यही रहना होगा। वेरी गुड, फिर मैं इसे बैग बिस्तर लेकर कल ही यहाँ भेज देता हूँ। हाँ चलिए, कल से तुम यही से कॉलेज जाना। ललन, लव का चक्कर तो नहीं है? हाँ। क्या बात करता है, मतलब मामला फिट हो गया? अभी तक नहीं। अच्छा, मतलब छोकरी मिल गई है, पटी नहीं है, नो प्रॉब्लम, अपन पटा लेंगे। मतलब तेरे लिए। अच्छा, उसका नाम बता। मालूम। अच्छा, उसका कुछ अता पता? पता नहीं। अरे यार इधर। अच्छा बता, उसकी आवाज कैसी है? कोई बात हुई? नहीं। इंदर ऐसी लड़की है तो सही ना, तूने उसे देखा तो है ना? एक झलक भाई। वेरी गुड। नाम मालूम नहीं, पता मालूम नहीं, फिर वो मिलेगी कैसे? दिल की कलम से। हाय, पांव जमीन पर दिल आसमान में, ये गया काम से। यार मैं भी शायर बन गया। हाँ। चल ढूंढते हैं उसे। ये खोया खोया रहता है, ये दिन में सोया सोया रहता है, ये रातों को उठ उठ के रोता है, यही गाता है, बोले गई तरम पम तरम पम तरम पम, चलो उसको ढूंढेंगे हम, परी है यो है दूर कोई, छुटाया है दराज हम, नहीं वो तो कुछ और ही, तरम पम तरम पम तरम पम, चलो उसको ढूंढे हम। Come on.
नहीं वो तो कुछ और ही है, कहे क्या यारो तुमसे हम। एक हाथी आ रहा था, उस हाथी को उसको भाव करने का था। Excuse me. क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? Of course. Thank you. बैठिए ना। आप हमसे कुछ बात कीजिए ना, please. जैसे हम कोई पुराने दोस्त हो, कुछ कहिए ना। हाँ हाँ। हेलो 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 जी हेलो 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 हम पल्लवी हैं और ये हमारी दो फ्रेंड्स हैं, पूनम और रितु। हेलो 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 हेलो। हाँ, वो दोनों लड़के एक नंबर के चालू और बदमाश हैं। वो बुट क्या मोटा घुंघराले बाल वाला, वो तो एक नंबर का चालू है, उसका बिल्कुल भरोसा मत करना। हेलो हेलो देखिए, आप लोग हमें गलत मत समझिए, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन आप लोगों की वजह से बच गए। एक्चुअली क्या है ना, इसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए हम उन्हें बिना बताए ही मैगनी शो देखने चले गए थे। और ये जो अभी लड़के आए थे ना गाड़ी में, ये हमारे पीछे आकर बैठ गए और हमें छेड़ने लगे। पहले तो हमसे बात करनी चाहिए, फिर हमें पीछे से छूने की कोशिश की, हम डर के मारे वहां से भाग गए, फिर भी उन्होंने हमारा पीछा किया। वो लोग हमसे कहने लगे, आ जाओ हम तुम्हें गाड़ी में लिफ्ट देंगे, और जब हमने ना कहा तो बोले हम तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में ले जाएंगे। इसलिए हम यहाँ आपके पास आकर बैठ गए, प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, थैंक्स।
चलते हैं। अरे नो नो प्लीज वेट, अगर वो लोग इधर आ गया तो आजकल के गुंडे बदमाश लड़कियों को चैन से सड़क पर चलने नहीं देते। तुम लोग इधर ही ठहरो, अपन लोग जरा उनको देख के आता है। अरे नहीं यार जाने देना, वो लोग वापस नहीं आएंगे, आएंगे तो देख लेंगे। आपको कहाँ तक जाना है? स्टेशन तक, वहाँ से हम ट्रेन में चले जाएंगे। चलिए हम आपको स्टेशन तक छोड़ देते हैं। नहीं नहीं आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। चांस काय को लेते हैं, आप बैठो ना इधर, अगर वो लोग आ गया तो अपन अपना हाथ साफ कर लेगा उनपे। ठीक है तो अपना हाथ साफ कर, मैं इन्हें स्टेशन छोड़ कर आता हूँ। चलिए देखिए आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे प्लीज। सुनिए तो क्या बोला, फिर से बोल क्या बोला। अपन क्या अकेला जाता मारा मारी करने को? तो क्या फुकड़ में मार खाने का शौक नहीं है, काय को लफड़े में पड़ने का? जिस लड़की का कोई अता पता मालूम नहीं, और ऐसे ही ये वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे थे। क्या वो दिल वो दिल की कलम से वाली? हाँ वो वाली है। अरे और तूने उसे जाने दिया, कैसा आशिक है यार। ए तेरा इंट्रो भी नहीं हुआ ना, तो चल यार बाइक निकाल। हेलो हेलो हाय, वो हमने सोचा कि वो बुड्ढे शायद वापस आ जाए इसलिए। हाँ डरिए मत, अपन लोग को तुम्हारा बॉडी गार्ड ही समझो। नहीं हम अकेले ही चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं अपन आते ना साथ में, अपन लोग को बचपन से आदत है लड़की लोग को प्रोटेक्ट करने का। ए इधर आ। मैं ए साहब 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 बुलाता है, जाओ उधर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये बैंड बाजे की बारात लेकर कहाँ जा रही हो? कौन है ये? ये उसकी बहन है, बहन उसकी। क्या नाम है तेरी बहन का? क्या नाम है? मधुमोहिनी। और तेरा नाम क्या है? मधुमोहन। ये कौन है? ये उसकी बहन है, ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर। क्या नाम है तेरी बहन का? चंद्रमोहिनी। और तेरा नाम क्या है? चंद्रमोहन। आप खामोश क्यों खड़े हैं? ये आपकी बहन है? नहीं, ये वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं। क्या ये सच बोल रहा है? कौन है ये? हम नहीं जानते। उसको जानती हो? हम नहीं जानते। और वो? हम नहीं जानते। हमको जानती हो? हाँ, हमारे भैया। इतना मारूंगा तुझे, इतना मारूंगा कि मेरी बहन तो क्या, तू अपनी होने वाली बीवी को भी बहन कहेगा, समझा? जल्दी बात कर। हाँ इधर ला, इस तरफ बोल दे, बोल दे। हाँ हाँ विकी विकी विकी, लफड़ा हो गया यार, तेरी बहन को कुछ लौंडे छेड़ रहे थे। पल्लवी पल्लवी, हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पृथ्वी ये क्या पागलपन है? आपको पता नहीं कि आपकी लाडली बेटी क्या गुड़ खिला कर आई? ठीक है हम पूछते हैं। अरे आपने पूछा नहीं कि आपका ये कहाँ थी? पूछते हैं ना, पूछिए ना पूछिए। किसकी इजाजत लेकर ये फिल्म देखने गई थी? किसकी इजाजत है? अरे तू चुप रह। अगर हम कभी पढ़ने पहुंचे होते ना तो आपकी ये लाडली बेटी उन बदमाशों के साथ चली गई होती बाइक पर। चुप रहता है कि नहीं विकी, ऐसी लाडली बिगड़ जाएगी। अरे विकी तू जानता नहीं कि इसने क्या किया? आप कुछ मत कहिए। देख दो, पल्लो ने माँ को और हमें सब कुछ बता दिया, माँ की और हमारी सौगंध भी खाई है। ये सुने तो भैया, अगर कुछ गुंडे इसके पीछे पड़े थे तो क्या करती बेचारी? आपको यकीन नहीं आता? ठीक पल्लो, भैया खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। चलो अपने पिताजी की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ करेंगे।
जिससे आपके दिल को दुख पहुंचे। हमें सौगंध है, हमें सौगंध है। ठीक है ठीक है। बस बेटा, अब तो यकीन आ गया ना तुझे? जा बेटा, जाके पढ़। अब तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो? चलो भागो, जाओ यहाँ से, जाओ। भैया, उन लड़कों का नाम पता तो बताइए। क्यों? उनके चेहरे पर दस्तखत करनी है। रहने देना, मैं पहले ही बहुत पीट चुका हूँ। भैया, वो तो पुलिस का हिसाब था। अब विक्रम सिंह का अकाउंट अभी तक बाकी है, जब तक वो सेटल नहीं होगा हमें नींद कैसे आएगी? वो अशोक नगर में किसी कर्नल के वहां रहते हैं। अरे सुन, हाथ पांव नहीं तोड़ना, थोड़ा डिस्काउंट दे देना। कौन है वो? कौन है जो हमारी बहन से प्यार करता है? लगता है एक और आ गया। बताओ किस तरह के वो विक्रम सिंह की बहन से प्यार करता है, बताओ। वो हम थे। उन्होंने नहीं, वो मैंने कहा था कि मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरी गलती थी और उसके लिए मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। लेकिन अगर आप इस बात का हंगामा करना चाहते हैं तो मैं दोहरा कर फिर से भी कह सकता हूँ। अंकल, आप भी गफला कर देता है, अगर गोली वोली लग जाता तो मर्डर केस बन जाता था। तो क्या हुआ, मैं खून करूं या मर्डर, दुनिया की कोई अदालत मुझे फांसी नहीं दे सकती। क्यों? मैं तो पागल हूँ। अरे अरे, कितना मारा, जल्दी जाके दवाई लाना। मैं पैसा देता हूँ, ये लो, बोला ना, जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, जाओ सब जाओ, जाओ। नेक्स्ट। माय गॉड, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, क्यों करते हो इतनी मारपीट? ये हिंसा अपने देश को कहां ले जाएगी? अस्पताल में। या लेकिन हमने कोई हिंसा नहीं की, सब इसकी वजह से हुआ है। क्या हुआ? इन्हें प्यार का बुखार जा चढ़ा था, जो लड़की के भाई के सामने अपना प्यार का पेड़ा बांटने लगा। तो क्या बुरा किया? प्यार करना कोई गुनाह है क्या? सचमुच जंगली जानवर होगा वो लड़की का भाई। तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? अरे कैसे करते, वो लड़की का भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, अव्वल नंबर का शैतान साला, हरामी कुत्ता। क्या नाम है उसका? पृथ्वी सिंह। और जिस गुंडे ने अपन का ये हाल किया, वो भी उस लड़की का भाई निकला। क्या नाम है उस हराम की ढक्कन करे? विक्रम सिंह तो नहीं? हाँ वही। भगवान का शुक्र मानो कि बच गए, वरना ये पृथ्वी सिंह और विक्रम सिंह का जो बड़ा भाई है ना जी, वो तो बहुत खतरनाक है। MBBS है। MBBS? या MBBS, महाबोल बच्चन सूरज सिंह। सूरज सिंह? नाम पड़ा है कहीं? कहीं नहीं, यहीं पड़ा है बार बोर्ड पर, डॉक्टर सूरज सिंह MBBS। अच्छा लग रहा है? जलन हो रही है। जलन हो रही है ना? वो तो सिर्फ 5 मिनट ही जलेगा, बाद में तो आग लगेगी। आग। मैंने पहले ही बोला था पंगा मत लेना। कुत्ते हंसता है। साले ने हाथी को मारने वाला इंजेक्शन अपन को दे दिया, सारा बॉडी जल रहा है। तुझे ये लड़की कहाँ मिली यार? जहाँ जाते वहाँ उसके उग्रवादी भाई टपक पड़ते। तू छोड़ दे भाई, उसे छोड़ दे। क्या बोला? इतना आसानी से छोड़ दे इतना मार खाने के बाद? कम से कम उसके भाइयों के साथ तो हिसाब सेटल करना ही पड़ेगा। हिसाब हिसाब चुकाना ना तो पहले वो उसका भाई, क्या नाम था उसका? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, उस मुच्छर से शुरुआत करते हैं। अपन के पास एक आइडिया है, छुपा छुपी का गेम। छुपा छुपी? हाँ, मैन मिसिंग गेम। अपन ये ना पायलट का एक काम करते हैं, कंप्लेंट करके उसे डराते हैं, ललन को गुम करते हैं और इल्जाम इंस्पेक्टर पे लगा देते हैं। हाँ, दोनों कुछ फिक्र लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बस पल्लो चाहिए। सच बोला, सिर्फ तेरे कहने पर ही कि तू उसे प्यार करता है, हमने इतना मार खाया
अब तो तुझे उससे प्यार करना होगा कंपलसरी। और वैसे अगर वो तुझे प्यार करने लगे ऐसा कुछ हो जाए ना तो सब वसूल हो जाएगा। बोल ऐसा कुछ कर सकता है? हाँ कर सकता हूँ। दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, नहीं इंजेक्शन नहीं। भैया आपने जो किया बिल्कुल सही किया, उन तीन मजनू को उनके किए की सजा दे दी। लेकिन पृथ्वी भैया आपने ठीक नहीं किया, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब जम के पिटाई की थी। हाँ हाँ हाँ, और फिर घर आने के बाद हमारी बहना पर भी हाथ उठा दिया ना। क्या किसे मारा? क्या तूने हमारी गुड़िया रानी पे हाथ उठाया था? तेरे हाथ कट क्यों नहीं गए उठने से पहले? कितने नाजों से पाला था हमारे पिताजी ने उसे। क्या बोलते थे कि पल्लो तो परी है, राजकुमारी है इस घर की। भूल गया वो वचन जो हमने हम तीनों ने हमारे पिताजी को दिया था कि हम तीन भाई सैनिक की तरह हमारी राजकुमारी की रक्षा करेंगे? भूल गया वो? अब आसुबान से क्या फायदा, जा जाके बुलाकर माफी मांग उससे। जा। ठीक है, हम पल्लो से माफी मांग लेते हैं। ये हुई ना बात भैया, मैं पल्लो को अभी बुलाता हूँ। पल्लो पल्लो जल्दी आ। पल्लो हमने जो तुम्हें दुख पहुंचाया है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। नहीं अब ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो, कह दो कि तुमने हमें माफ कर दिया। प्लीज देखो अगर तुम नहीं मुस्कुराओगी तो इस घर में कभी बाहर नहीं आएगी। ए गुड़िया रानी हंस दो ना, एक बार मुस्कुरा दो। डैडी डैडी अब पल्लू बुआ को गुदगुदी करो ना, हजार दो हंसेंगे। बच्चों अब कुछ भी करके अपनी बुआ को हंसा दो। Thank you.
तेरे ही तो घर पे निखार है। तेरे लिए खाना लेकर रोज आएंगे। वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, फिर भी अगर कभी कोई भूत प्रेत आ जाए, अरे तो उसे बिंदास संभाल लेना यार। हाँ बिंदास। तुम इसे हौसला दे रहे हो या डरा रहे हो? छोड़ना यार, सब कहानियां हैं, कोई भूत भूत नहीं है बिंदास। हाँ ठीक है, लेकिन बाबूजी फिक्र करेंगे। डोंट वरी यार, अपन लोग सब कुछ ठीक तरह से संभाल लेंगे। सर आपने मुझे बुलाया? जी, इस 4 तारीख को तुमने अपनी चौकी में 3 लड़कों को बुरी तरह से पीटा था। सर बात वो है कि मैं वो ये मैं क्या कर रहे हो? यहाँ के कांस्टेबल्स और कॉलेज के 2 लड़के इस बात के गवाह हैं। सर दरअसल वो लड़के लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तुमने रिपोर्ट दर्ज की? हाँ, FIR कहाँ है? उन लड़कों में से एक लड़का ललन चतुर्वेदी गायब है। गायब है? जी हाँ, और ये ललन के पिताजी हरि प्रसाद चतुर्वेदी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, और ये कर्नल नायर। हाँ कर्नल नायर। इन लोगों ने कंप्लेन की है कि तुमने ललन को 3rd degree देकर खूब मारा है और उसे कहीं गायब कर दिया है। नहीं सर, ये सब सरासर झूठ है। एक बात याद रखना, मैं भले रिटायर हो चुका हूँ लेकिन आज भी मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर मेरा बेटा मुझे जल्दी वापस नहीं मिलाना तो यहाँ के सारे गैर जिम्मेदार इंस्पेक्टरों की मैं वर्दी उतरवा सकता हूँ। और अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम ललन को ढूंढ कर नहीं लाए ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गेट आउट। अबे इधर आ। अरे यार चलता हूं मैं। क्या तेरा वो दोस्त ललन चतुर्वेदी का है? मुझे पता नहीं। देख बे, हमसे ज्यादा चलाकी मत करना, सीधी तरह से बता। तू नहीं जानता कि तेरा दोस्त का है? नहीं। तू जानता है ना, हम पुलिस वाले किस तरह तुझ जैसे लोगों से सच उगलवाते हैं। अरे उल्टा लटका दूंगा, सच निकल कर बाहर आ जाएगा। तू चाहता है कि हम तेरे साथ ऐसा सुलूक करें? नहीं ना, तो फिर बता। कोशिश करके देखिए, पता चलेगा। क्या बोला? बहुत हो गया। किसी की मौत का मातम नहीं मना सकते तो कम से कम मजाक तो ना उड़ा। किसकी मौत? मौत नहीं, मर्डर कहो, मर्डर। मर्डर? हाँ, उस दिन आपने हम तीनों को इतनी बेरहमी से पीटा और उस बेचारे के सर पे तो आपने बार बार इतना मारा कि उसका खून जमा हो गया, हेमरेज हो गया और उसने दम तोड़ दिया। अरे क्या बकते हो तुम? उसके बाद आपने उसकी लाश को अपनी जीप में डाला और पता नहीं कहां ले गए। हम आपको सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाएंगे इंस्पेक्टर साहब।
और जरूरत पड़ी तो सबूत के तौर पे उसकी हड्डियां भी पेश करेंगे। अरे अब समझा मैं, तू जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे। अरे इतना सारा, ये सब कैसे सोच लिया तूने यार? अच्छा देखो, हम सीधी सीधी बात करते हैं, सीज फायर नहीं हो सकता हम दोनों के बीच में? हो सकता है, मैं तैयार हूं अगर आप चाहे तो। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात, आज से हम दोनों दोस्त। अरे मिलकर शिकार पर चलेंगे, बड़ी दिलचस्प चीज है ये शिकार। लेकिन पहले एक बार वो लल्लन को एक बार एसीपी के सामने पेश करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। बस दूसरे दिन दोनों दोस्त निकल पड़ेंगे शिकार के लिए। आप ललन की चिंता मत करो, वो सलामत है। ये तो हम भी जानते थे, तो है का? ऐसी जगह जहाँ पे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। अरे यार अब तुम दोनों दोस्त हो गए, बता देना कहाँ छिपा के रखा। वो तो मैं आपके बाप को भी नहीं बता सकता, फिर तुम्हें कैसे बताऊं मैं? भाई साहब, भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो गई है, लगता है हमारी नौकरी गई। क्यों, क्या हुआ? अरे वो तीन लौंडे है ना, उसमें से एक गायब हो गया। अब उसके बाप ने कंप्लेन की है कि हमने उसका खून करके उसकी लाश को कहीं छुपा दिया है। हम जानते हैं कि ये इंदर की ही चाल है। अरे अपने पिटाई का बदला ले रहा है हमसे, हम जानते हैं कि उसी ने उसको छुपा दिया है। तो जाकर पकड़ लो उसे। अरे हमने उसे बहुत पटाया, धमकाया, पर वो किसी भी शर्त पर मानने के लिए तैयार नहीं है। कहता है आपके बाप को भी नहीं बताऊंगा। क्या कहा आपने? उसने हमारे पिताजी का अपमान किया और ये सुनने के बाद भी आप चुपचाप चले आए वापस? अरे उस साले शैतान के बच्चे को खत्म कर देना चाहिए था आपको। तुम चुप रहो यार, यह आग लगी हुई है और यह उस पर पेट्रोल छिड़क रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, जो भी करेंगे हम करेंगे। अरे हमारी नौकरी चली जाएगी तो जाने दो। उसने हमारे पिताजी का नाम लेने की जरूरत की है, उसे अपाहिज करके ही छोड़ेंगे। भाई साहब आप इसे कुछ समझाओ ना। विके, नहीं, बात बहुत आगे बढ़ गई है, इसकी नौकरी जा सकती है। आप लोग अंदर जाइए। हाँ, चलो, चलो। अंदर जाइए। जब इसकी नौकरी जा सकती है तब तू अपनी ताकत उसकी हड्डियां तोड़ने में क्यों बर्बाद कर रहा है? उसे सीधा खत्म ही कर दो, फिनिश हिम ऑफ। तो तुम टेंशन में हो? टेंशन में तो नहीं, मगर सोचने पर ऐसा लगता है कि ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। वो कैसे? हम ही तो गए थे उनके पास और कहा था कि हमसे बात करें। तो क्या हुआ, हमने तो सिर्फ उससे बात ही की थी, तो फिर उसने ये कैसे कह दिया कि वो तुमसे प्यार करता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों कहा। पागलपन और क्या। अच्छा उसका नाम क्या है? इंद्रजीत बंसल। ओ, इंदर कहते हैं उसे। वो देखो आ रहा है। चलो चलते हैं। नहीं नहीं मैं तो रुकती हूँ। ठीक है तो मैं जाती हूँ। मैं तुम्हें तंग करने या चोट पहुंचाने नहीं आया हूं, गलती हुई है और उसका इजहार मैं तुमसे मिलकर करना चाहता था। अब आग चुनाने से क्या फायदा, हम तुम शायद दो तीन बार मिले हैं, एक दूसरे को देखा ही है, बस तुम मुझे इतना ही जानती हो ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कई अरसे से जानता हूं, लेकिन इतनी गहरी पहचान के बावजूद मैं तुम्हें मिलकर सताना नहीं चाहता था। ये सादगी पे कौन मर ना जाए, ऐ खुदा लड़ती है और हाथ में तलवार तक नहीं। देखो देखो, अगर मेरे सच कहने से तुम्हारे दिल को चोट पहुंची है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। प्लीज रुकिए। आपने अपने दोस्त को कहां छुपाया है? क्यों किया है ऐसा आपने? क्या किया? अब हम क्या कहें, हम आपके सामने आए, आपसे बात की, इसलिए हम भी आपसे माफी मांगते हैं। देखिए गुस्सा थूक दीजिए, अपने दोस्त को वापस बुला लीजिए, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ। ये गलती मेरी हुई और सजा मेरे दोस्तों को मिली, अब अगर वो अपना बदला लेना चाहे तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं। फिर भी जब तुमने कहा तो मैं कोशिश जरूर करूंगा जितना मुझसे होगा। सुनो,
तुमने मुझे सब कुछ भूल जाने को कहा, मैं भूल जाऊंगा अपनी जिद, अपना गम, सब कुछ। लेकिन वो चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूं जो मेरे दिल में बसा है, उसे मैं नहीं भुला सकता, कभी नहीं। यह है कि अब कुछ नहीं होगा, तुम हारा सकते हो, यह छुपा छुपी का खेल खत्म। लेकिन क्यों? पल्लो ने खुदा करों से विनती की है कि मैं तुम्हें बाहर ला। अरे हाँ, लेकिन उस मुच्छड़ के सस्पेंशन का क्या हुआ? उसकी कोई जरूरत नहीं ना, अभी पल्लो ने आके कह दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। उस राक्षस को सस्पेंड कराए बगैर मैं बाहर नहीं आने वाला। ललन बात को समझ, अगर वो सस्पेंड हो गया तो मैं पल्लो को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, और अगर वो सस्पेंड नहीं होता तो कल पल्लू जरूर मेरी हो जाएगी। अरे उसने दो चिकनी छुपड़ी बातें क्या कर ली, ये तो पिघल गया। अरे औरतों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, सबके सब धोखेबाज होती हैं। अरे कम से कम एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए भी उसको उसको सस्पेंड करवा देता तो साले ने कितना पीटा था हमको, याद है? पल्लवी को पाने के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ये वादा किया था कि नहीं तुम लोगों ने? बस तो फिर वही करना जो मैं कहता हूं, और देखना पल्लू मेरी होकर ही रहेगी। पक्का? पक्का भाई, पक्का पक्का। देख ललन, इंदर की इसी विश्वास पर अपन लोग यहां पर आए। इंदर याद रख, अगर वो लड़की खेल खेल रही है तो अपन लोग तेरे साथ नहीं। देख, अगर मेरा विश्वास गलत साबित हुआ तो मैं वो ही करूंगा जो तुम लोग कहोगे, ठीक है? वादा? वादा। बच्चों देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। अरे अरे मुन्नी बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तेरे लिए, ये भी ले ले बेटा, ले 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 ले, जा जा। माँ ये आपके लिए। हमारे लिए? हाँ अभी ये आपके। और ये किसके लिए? ये भाई साहब के लिए। हाँ जी, ये आपके लिए और विकी के लिए। अरे वाह, काफी अच्छी है। बात क्या है पृथ्वी बेटे, हुआ क्या है? माँ आफत पहाड़ की तरह आई, लेकिन चूहे की तरह भाग गई। अरे किसकी बात कर रहा है तू? उसी लौंडे की, जिसको खून करके गुम करने का इल्जाम हमारे सर पर था। अरे हमने भी ऐसा जाल बिछाया कि वो खुद जिंदा अपने पैरों पर चलते हुए एसीपी के सामने जाकर खड़ा हो गया और माफी का पत्र भी लिख दिया। अरे हमने उसकी खूब पिटाई की थी, फिर भी उसने लिखा कि हमने उसे छुआ तक नहीं, डरपोक कहेगा। उसका बाप हाथ जोड़कर पीछे पड़ा हुआ था कि ये केस वापस ले लो और मेरे बेटे को माफ कर दो। अरे आखिर उन्हें पता चला कि पृथ्वी सिंह चीज क्या है, खाम खा दो दिन की नींद उड़ा दी। क्यों माँ? नींद उड़ी होगी तेरी, इतनी सी बात में हमारी नींद क्यों उड़ेगी? जब तू तोहफे लेकर आया था तब हमने सोचा कि पता नहीं कौन सा तोप फोड़ कर आया है। रहने दे, आज शेर बन के घूम रहा है, कल तक तो भीगी बिल्ली की तरफ कांप रहा था। अच्छा हम भीगी बिल्ली हैं, हमारा शॉल हमें वापस दे दीजिए। ले अपनी बीवी को पहनाना, वैसे भी ये रंग इस उम्र में हमें नहीं जचेगा। भीगी बिल्ली कांपती हुई भीगी बिल्ली। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? ला ला इधर, ला खिलौने वापस दो। अरे ला मेरे खिलौने वापस दो, ला। Thank you.
बोले सजनी मोरी सजनी, बोले सजनी मोरी सजनी, रंग जहाँ का कितना बदला, रंग मोहब्बत का ना बदला, चलन बपा का है बस वैसा, सदियों से ही था वो जैसा, प्यार का दीवाना मन है वो, तो सजना कह दे प्यार के बोल जरा तू ही, सजनी रे सजनी रे एक तो ही जहाँ संग मेरे साथ चल, धरती चली है जैसे आसमां संग, पर्वत है तेरी बेघटा संग, कहीं धुंध में हम हो जाएं ओ चल चल, समान की आंखों से बच के नैनों में एक दूजे के छुप के बिताए तो पल हम चुप के चुप के, बोले सजना जंजीरें भी टूटी ये दुनिया भी हारी, वफा का हम भी थामे परचम, जीएंगे जब तक यारा तुम हम, मिल बांट लेंगे खुशी हो या गम, बोल
बोले सजनी मोरी सजनी, रंग जहां का कितना बदला, रंग मोहब्बत का ना बदला, चलन वहां का है बस वैसा, सदियों से ही था वो जैसा, प्यार का दीवाना बन है वो। सजनी रे सजनी रे, एक तो ही जहां में है अनमोल, आ जाने मेरे बाहों में तो डोल। बोल सजनी मोरी सजनी। हेलो, आप अपने दोस्त को बाहर ले आए, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमने आपको बहुत ढूंढा, अब जाकर आप मिले। थैंक यू। सुनो पल्लवी, तुम्हारे घर वाले भले ही तुम्हें एक बच्ची समझते हो, दरअसल तुम इतनी छोटी नहीं हो कि अपने फैसले खुद ना कर सको। एक बार मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। कम से कम आज से तुम्हें कुछ कहना ही होगा। हमें ये सब नहीं आता। देखो, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हाँ कह दो, और अगर ना पसंद करती हो तो सीधा ना कह दो। हमें ये सब नहीं मालूम। तो मैं ये मान लूँ कि तुम मुझे प्यार करती हो? नहीं। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। लेकिन ये सब क्यों? तो तुम मुझे प्यार करती हो, राइट? हमने ऐसा कब कहा? ओके, तो तुम मुझे प्यार नहीं करती। हम जा रहे हैं। अरे जवाब तो दो। अगर हम आपको कल जवाब दे तो ठीक है? ठीक है। अरे सुनो, कल मुझे झूठ मत बोलना। मैं जानता हूं कि तुम्हारी हाँ है, लेकिन फिर भी मैं इंतजार करूंगा। कौन हमारी गुड़िया रानी का दिल दुखा रहा है? माँ कहती है, बच्चे भी बोलते हैं कि 3 दिन हो गए गुड़िया रानी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बोलो क्या बात? कुछ नहीं भैया। बोलो, अगर हमसे अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर। नहीं विक्की भैया। फिर तुम क्यों ऐसी हो? हमें कुछ नहीं हुआ भैया। देखो पल्लो, तुम इस घर की रोशनी हो, तुम इसे रौनक है इस घर में। अगर तुम ऐसे बुझी बुझी सी रहोगी ना तो सारे घर में अंधेरा छा जाएगा, है ना? हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, सचमुच। जब वो कह रही है कि कोई बात नहीं है तो क्यों उसे खामखा तंग कर रहे हो? चलो बाहर, उसे पढ़ने दो। अरे माँ, हम तो पल्लू को खुश देखना चाहते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो बाहर, चलो चलो चलो। उस दिन हमने माँ से शॉल वापस ले लिया था, इसलिए तो नाराज नहीं होना तुम। लेकिन उसी रात हमने माँ को शॉल वापस लौटा दिया था। वो बात नहीं है भैया। वो बात तो नहीं है ना? अच्छा, फिर ठीक है। हमने तुझे उसी दिन बोला था ना कि उस लड़की पे भरोसा मत करना, अब खुश हुआ? अरे वो लड़की झूठी है, मक्कार है। कम से कम उसका भाई सस्पेंड भी हो जाता ना तो भी कुछ बात बनती। भाई हाथ में आया नहीं, बहन का पता नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बार आना। अरे खाया क्यों नहीं? खाया ना, मार खाया, मुक्के खाए, धक्के खाए, डंडे खाए, और डिजर्ट में गालियां खाई, वो कम है क्या? मेरी पल्लो, मेरी पल्लो। अरे छोड़ ना यार, अब जले हुए अंडे का ऑमलेट बनाने का क्या फायदा है? अब उसे भूल जाओ, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, दूसरी पल्लो ढूंढो। वो मेरी है,
मैं उसे चाहता हूँ और वो मुझे। उसने तुझे धोखा दिया, धोखा। ऐसे घूर क्यों रहे हो, मुझे डराते हो क्या? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वो तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं है। अरे अरे इंदर, 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 अरे यार ये अब कहाँ चला गया? बहुत कल बीत गए, अब और इंतहा मत लो इंतजार की। इजहार या इनकार प्यार का जो भी है बता दो। हाँ या ना कहने में अगर होठ सूख रहे हैं तो स्याही चुरा लो दिल की कलम से और लिख दो। कभी हमसे झूठ बोलोगी, फिर भी हम पूछ रहे हैं क्या तुमने उसे यहां बुलाया था? विक्की भैया, क्या तुमने उसे यहां बुलाया था? जी नहीं भैया, पर बस और कुछ मत कहना, हम समझ गए, सब कुछ समझ गए। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, our need to cope with the uncertainty leads us to the study and use of the probability theory. An event is one or more of the possible outcomes of doing something. If we toss a coin, getting it is an event. The activity that produces such an event refers to... Hey, what's happening? Hey, come on! वो तुझे धोखा दे रही है इंदर।
तो ठीक कह रहा है। तू अपने को प्रॉमिस कर, आज के बाद तू उस लड़की को देखेगा नहीं, उसके बारे में सोचेगा नहीं और ना ही उससे प्यार करेगा। प्रॉमिस कर। मैं वादा करता हूं। ये कौन है तुम है? अंदर कहां जा रहे? स्टूपिड, रुक जा। हाथ ऊपर। आप शायद कर्नल नायर हैं? आज तक सिर्फ नाम सुना था, आज पहली बार देख रहा हूं। हाथ ऊपर। हाथ पैर सब कुछ ऊपर करूंगा लेकिन गोली मत चलाना। तुम्हारे नाम कौन है? मेरा नाम हाँ सतीश कुमार बंसल। इतने लंबा नाम, छोटा करो। क्या नाम? सतीश कुमार। और छोटा करो। सतीश। छोटा करो। नारंगल, नारंगल। रुके नारंगल, गलती मत करना, ये इंदर के पिताजी हैं। ओ अच्छा। आपके बारे में सुना था, देखा पहली बार। आयो सर पे बाल नहीं। इसे नीचे रखिए वरना जितने वो भी गिर जाएंगे। कैसे है आप? मैं जिंदा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी जिंदा हूँ। अरे इसे जेब में रखिए ना। डोंट वरी, इसमें गोली नहीं, गोली नहीं, गोली नहीं। जाओ जाओ। चलिए अंकल, आप फंसा दिए। गोली लग गई, गोली थी। एक ही थी। किसी दिन कोई ना कोई तो मरेगा। क्या हुआ इंदर? कैसे हुआ ये सब? हाँ मुझे मारा कुछ लोगों ने। मारा? किसने मारा? किसने जुर्रत की तुम्हें छूने की? बताओ मुझे। नहीं पापा, गलती मेरी थी और ये उसी की सजा है। मुझे और मत पूछना इसके बारे में, कब, क्यों, कैसे, कभी भी। जो भी हुआ है मैं उसे भूल जाना चाहता हूं हमेशा के लिए। बहुत दर्द हो रहा मेरे बेटे। अब ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूं। नहीं, मैं चाहता नहीं कि मां मुझे इस हाल में देखे, ना ही आप उसे कुछ बताना। नहीं बताओगे ना? प्लीज बस एक बार ठीक हो जाऊं तो पढ़ाई छोड़कर वापस घर आ जाऊंगा मां के पास। उसे कहना कि उसकी जो भी इच्छा है मैं वो ही करूंगा। लेकिन क्यों बेटे, तुम अपनी मां को नहीं जानते? तुम्हारे अरमानों को पूरा करने के अलावा और उसकी क्या चाहत हो सकती है? और मेरी भी। तुम पढ़ना चाहते थे ना, पढ़ना चाहते थे ना, पढ़ाई जारी रखो ना प्लीज। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे बेटा, लेकिन उन कमीनों को तो मैं। नहीं पापा, अब उस बारे में सोचना भी नहीं, ये किस्सा खत्म हो चुका है। तो फिर कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहता हूं। रहो कैसे? आप रहेंगे तो मां को शक हो जाएगा कि मुझे। ठीक है, हम अपना ख्याल रखेंगे, तुम भी अपना ख्याल रखना। रुक रुक, क्यों, क्या समझती हो अपने आप को? हमारे दोस्त को इतनी बुरी तरह से पिटवाकर खुद आराम से कॉलेज जा रही हो? हां इंदर की गलती सिर्फ इतनी थी ना कि उसने यह पूछा कि तुम उसे प्यार करती हो या नहीं।
एक मिनट, अगर तुमको उसके लेटर लिखने से कोई प्रॉब्लम था तो लेटर फाड़ के फेंक देता, टुकड़े टुकड़े करके उसके मुंह पे मार देता। अरे कम से कम अपना मुंह खोलकर इतना तो बता सकता था ना कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। What do you think of yourself? हाँ? तुम सोचते हो तुम्हारे भाइयों के पास 10-12 गुंडे हैं, तुम्हारे पास ताकत है तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। जोतिक, इंदर के पापा आ रहे हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की? हमें नहीं मालूम। हमें मालूम, सब कुछ मालूम है। तुम जानबूझ के मुझे बताना नहीं चाहते। अंकल, सचमुच अपन नहीं जानते। झूठ बोलते हो, सरासर झूठ। बताओ मुझे, बताओ मेरे बेटे को हाथ किसने लगाया, बताओ। सॉरी अंकल, अपन लोग सचमुच नहीं जानते। सॉरी नहीं, बताओ मुझे। हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। कौन थे वो लोग, बताओ मुझे, बताओ मुझे। सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम लोग जानते मेरे बेटे को किसने पीटा, जानता हूं मैं। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को इंदर को अपना दोस्त बताते हुए। वो पिटता रहा, मार खाता रहा और तुम बेशर्मों की तरह खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। लाने रहे तुम दोनों पर। Disgusting. सुन लिया तुमने, इंदर उनका इकलौता बेटा है। अगर हम इन्हें तुम्हारे भाई के नाम बता देते तो वो तुम्हारे भाइयों के टुकड़े टुकड़े कर देते। चली जाओ यहां से, अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आज के बाद हमारा इंदर तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, ओके? चली जाओ यहां से। लगता है इंदर के दिल में अभी कुछ उम्मीद बाकी है, इसीलिए उसने अपने पिताजी से कहने के लिए हमें मना किया था। अरे जाने देना यार, तू जिसका हार्ट पत्थर का हो उससे क्या बात करता है। जाओ जाओ। छोड़ यार। अरे जाओ। आपसे नहीं, कुछ मत कहो, मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। आप सुनिए प्लीज। मैंने कहा ना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं सब कुछ भूल गया हूं और अब मैं कुछ याद नहीं करना चाहता। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, कि तुमने वो खत अपने भाई को नहीं दिया था, उनके हाथ लग गया था, कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब कुछ हो जाएगा और इसलिए तुम मुझसे माफी मांगने आए हो, यही ना? नहीं। तो फिर हम आपसे कहने आए हैं कि हम आपको पसंद करते हैं। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। आपको हम पर विश्वास करना होगा इंदर, हम सच कह रहे हैं। आई लव यू। अच्छा, तो फिर ले जाओगी अपने भाइयों के सामने, कह पाओगी इसी विश्वास के साथ कि तुम मुझे पसंद करती हो, अपना बनाना चाहती हो? ये सब शायद हम नहीं कह पाएंगे। तो फिर ये झूठी प्रेम कहानी बंद कर दो और यहां से चली जाओ। इस घर का पता जो आपने हमें याद रखने को कहा था वो तो हम नहीं भूले ना, बस इतना सोचा था कि हाँ या ना लिखना है, लेकिन इस तरह हमें आना पड़ेगा ये कभी सोचा भी ना था। हम जानते हैं कि हमारे और आपके रास्ते बहुत अलग हैं और उनका एक होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हमारे बीच जो भी मुश्किलें आएंगी हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों बाद जब हमारे भाइयों का गुस्सा ठंडा होगा हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। पहले शायद वो राजी ना हो, लेकिन बाद में हमारी खुशी के लिए वो जरूर इजाजत दे देंगे। हमें विश्वास है
लेकिन इस वक्त हम उन्हें वो सब कुछ नहीं कह सकते जो आप चाहते हैं। अगर आपके दिल में हमारे लिए जरा सी भी जगह नहीं तो ठीक है, हम चले जाते हैं। हम जाएं? हम जाते हैं। अरे सब लोग पास होते हैं यार। हाँ यार, इंदर ये क्यों आई थी यहाँ? अब कौन सा नया गेम खेलने आई थी इधर? तुझे फंसाने का कौन सा नया पैंतरा लेके आई थी वो? कहने आई थी कि वो मुझे प्यार करती है। क्या उसने सच्ची ऐसा कहा? एक बार नहीं, बार बार रोक के कहा उसने। फिर तूने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देता, क्या जवाब दे पाता मैं? तुमने तो मेरी होंठ छीली है, उसे देखना नहीं, उसके बारे में सोचना भी नहीं। बस मैंने दोस्ती का वादा निभाया और वो चली गई। तुम जो बोला वो सच बोला क्या? क्या? यही कि तुम अपने इंदर को पसंद करता है। हाँ। बाइक पे बैठ जाओ। ये लो संभालो अपनी अमानत को। अब अपन मानता है कि जो पल्लवी बोला वो सच है। अपन को प्रॉमिस देकर 100 किलो का पत्थर अपने दिल पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। अपन तुझे वो प्रॉमिस से आजाद करता है। प्यार दिल से होता है, जो सच्चा होता है और हमेशा रहता है। तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मत कहो। इंदर, आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं। बताओ हमें, क्या हम आपको दगा दे सकते हैं कभी भी? तो हम लोग जाएं क्या? अपन लोग जा सकते हैं वैसे, अगर आप लोग चाहें तो। तुम लोग कहो तो हम रुक भी सकते हैं। नहीं, जाते हैं यार। ये नहीं, रुकते हैं। अच्छा ठीक है, रुकते हैं। नहीं, जाते हैं बोला ना। अरे यार, अरे इंदर तू तो कुछ बोल। पल्लवी को बोलने दे। हम क्या बोले? अरे तो हम भी क्या बोले? Come on man, तुम लोग इसे रोमांस कहते हो? हाँ, रोमांस की बातें तो हम करेंगे, लेकिन पहले तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। वो पागल फिर से कुत्ते के पीछे पड़ गया। या तो कर्नल अंकल का पागलपन समझो या ऊपर वाले का आशीर्वाद। वक्त हो गया है, अब हम जा सकते हैं। हाँ, फिर कब मिलोगे मुझे? जब आप चाहें। वो पुराना किला है ना पहाड़ के ऊपर, पुराना वाला, जानती हो ना? वहां मिल सकते हैं कल? वही किला ना जहाँ बहुत घास है। हाँ हाँ हाँ, वही जगह। आओ अंदर आओ। क्या मालूम है ना इंदर, वो जगह बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही सेफ है। अपन सब लोग को उधर ही मिलना चाहिए। सब लोग नहीं, सिर्फ हम दोनों मिलेंगे। बस क्या यार, आप लोग और हम लोग कहाँ जाएंगे? देख पल्लू को देरी हो रही है, कौन छोड़ने जाएगा स्टेशन? अपन। मैं। अरे ये देख, अपन पल्लवी को यहाँ लेके आया था, अपन ही छोड़ने जाएगा। तू लेकर आया था ना, मैं छोड़ने जाता हूँ, चल पल्लवी। ए मैन, तू इतना हक जताकर इसको बुलाता है, ये तेरी क्या लगती है? मेरी बहन। क्या नाम है तेरी बहन का? चंद्रमोहिनी। और तेरा? चंद्रमोहन। क्यों साहब, ये आपकी क्या लगती है? जी ये वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं। क्या ये सच है? हम पूछते हैं क्या ये सच है? दे ताली, दे ताली। अब कोई छोड़ने नहीं जाएगा, मैं इसे छोड़ के आता हूं। अरे यार,
देरी हो गई भाई। स्टेशन आ रहा है, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ा। हम जानते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए, हम चले जाएंगे अपने आएगी वो। अरे अपुन को लगता है कल डर के मारे वो यूं ही हाँ कर दी होगी, अपुन को नहीं लगता वो आएगी। अरे कल बारिश आ रही थी और ये नहाने के लिए नल ढूंढ रहा था। अरे तूने अगर हल्का सा फुल्का सा थोड़ा सा भी छुआ होता ना तो तेरे चुभन की करंट से वो इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह दौड़ी चली आई होती। मैंने तो पहले ही बोला था वो नहीं आएगी। वो आएगी, वो आएगी। सुना बंधुओं, बाबा इंद्रनाथ बोले वो जरूर आएगी। जैसे यहाँ बैठे बैठे वो उसके दिल की बात जान लेते। अपन आखिरी बार बोलता है, फिर से बोलता है, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। आ गई। इंदर, जिंदगी में पहली बार अपने पूरे दिल से तुझे मिलने आ रही है। आज का दिन उसे सारी जिंदगी याद रहनी चाहिए। अच्छी सी दवाई देना। कौन सी दवाई? टेट्रामाइसिन की। अरे यार, एग्जाम की घंटी बच चुकी है, तू अब भी सवाल पूछ रहा है? किस करना, किस लंबी सी किस, यूं पकड़ के यूं। अब किस भी तुम लोग करने वाले हो तो मैं जाऊं? यार ये क्या चल रहा है? अरे हम तो यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। ताजमहल की ओर चलते हैं। एक बात बताओ, शहंशाह ने ताजमहल क्यों बनवाया था? वो इसलिए कि अगर अस्पताल बनवाता तो कहीं पागलों का इलाज होता। एग्जैक्टली, मैं तो बोल रहा हूँ, एक तो मेरे पास टाइम नहीं है। ये लोग क्यों ऐसे बातें करते हुए गए, हमें देखा तक नहीं। ऐसे जा रहे हैं जैसे हमें पहचानते ही नहीं। शायद हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अच्छा अच्छा अच्छा, आते भी अंदर अंदर। कम ऑन मैन, सिर्फ बकबक मत करना, कुछ ऐसा करना कि बाप बन जाए। ऊपर नीचे हो रहा है। क्या क्या? पत्थर पत्थर ऊपर नीचे फेंक रहा है, खेल रहा है। लगता है आज बारिश होगी। लेकिन बादल तो नहीं है। अच्छा नहीं, आज फोकस्ड है कि बारिश होगी। फोकस सुनती हो? जी नहीं। मैं भी नहीं सुनता, मैं बस वो कल टीवी पे देख रहा था। तुम्हारे घर में टीवी है? कलर है ब्लैक एंड व्हाइट? दोनों है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन अब हमारे भाइयों ने हमारे लिए कलर टीवी ले लिया है। तुम अपने भाइयों से बहुत डरती हो ना? डरते नहीं है, लेकिन जब भी उनके बारे में सोचते हैं दिल बेचैन सा हो जाता है। हम जानते हैं कि वो मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें उन पर पूरा विश्वास है क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। मैं भी। हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं क्या। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। क्या बोलो? मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी।
वो लोग हंस रहे हैं। क्या क्या? वही पुराना वाला जोक सुनाया होगा। ये लोग भी लगता है ये लड़की आज भी इसे छोड़ के चली जाएगी। मैं क्या कर रहा था? बारिश बारिश हाँ बारिश। पता है ये बारिश में ये जो घास है इसमें फूल खिलते हैं। इस पे? हाँ, तुमने इसके बीज देखे हैं? नहीं, मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, देखने लायक है, एकदम फूल जैसे लगते हैं। अच्छा, रहने दीजिए, ये कांटा लग जाएगा आपको। कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ, तितली पकड़ रहे हैं। तितली? तितली? हाँ, साला प्यार करने चला था। चलो चलो चलो, रुको। बहुत हो गया, ये बाबा सैगल का जमाना है और आप सैगल के जमाने के लगते हो। अरे हम लोग कितनी सारी बातें कर रहे थे, और ये प्यार है कोई नाटक नहीं है जो आप लोगों का मनोरंजन करे। अरे यार चल बोल, अपन लोग आपके दोस्त हैं। हाँ, हम आपका भला चाहते हैं। हाँ, आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पाते। लल्लन, ये लो लीजिए। क्या ये? गोरा कागज। तो मैं क्या करूं? देख, आज सोमवार है। हाँ, तो कल मंगलवार है। हाँ, तो बस जो बात यहाँ पर है और यहाँ नहीं आ पा रही है उसके लिए दिल का ढक्कन खोलो और इस कोरे कागज को अपने दिल की कलम से भर दो। कल मिलते हैं, चलो बॉयज, कम ऑन। चलो चलते हैं, चलो। ओके बाय, सायोनारा। क्या लिखा तुमने? बहुत कुछ, जितना सिर्फ आप समझ सकी। आपने क्या लिखा? उतना ही जितना तुम समझ सको। दिखाइए। ए ए ए, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, हमसे कोई हाथ चला के नहीं। अरे क्या कर रहा है यार? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे यार इंदर, अपन लोग तुम्हारे प्यार के दहलीज पे खड़े चौकीदार की तरह है, अपन से कोई भी बात राज नहीं रहनी चाहिए, समझे? पल्लो जी, आपका लेटर लाइए। नहीं, अरे तू उधर देख, अपने इधर देख के पढ़ता है। और सुन, अखबार की तरह मत पढ़ना, प्यार से ऐसे रोमांस के साथ पढ़ना कि इनका रोम रोम प्यार ही प्यार पुकारे। ए ललन, तेरे में क्या लिखा है? कुछ नहीं यार, यहाँ पर तो मेरा जीवन कोरा कागज है। मेरा भी, मेरा तो इतना सफेद है जैसे ड्राई क्लीन किया हो। कमाल है, भला मेरा कागज तेरे कागज से सफेद कैसे? वो इनसे पूछते हैं। हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे यार, हमने इतना मार खाया, इतना लफड़ा किया, इतनी मुश्किल से तुम दोनों को एक किया, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहो। तुम लोगों को प्यार करना नहीं आता, अगर ऐसे ही प्यार कर रहे हैं तो अपने अपने घर में बैठ के प्यार करो। तुम दोनों ने अपन लोग को उल्लू बनाया, इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। चल ललन, चल ललन। सुनो तो। अरे नहीं सुनना है। अरे कहाँ जा रहे हो? गुड बाय, गुड बाय। क्या वो लोग हमसे इतना नाराज हो गए कि हमें छोड़कर चले गए? तूने सही खुनस दिया है ना? अब देख अपने आप किस करेगा वो। शायद वो लोग चाहते हैं कि
कि मैं तुम्हें छू लूं। कैसे? कि मैं अपनी उंगलियों से तुम्हारे होठों को छू लूं। क्यों? नहीं नहीं, शायद वो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी होठों से तुम्हारे होठों को छू लूं। ऐसा मत कीजिए वरना हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैं तुम्हारे होठों को छू रहा हूँ। देखिए हम चले जाएंगे। ललन भैया देखो इंदर को न मारे। रुक जाओ रुक जाओ। मारने दो। आदमी को जिंदा रहना पड़ता है और तुम्हारे लिए ये विकी भैया मर चुका। हमारी कोई बहना नहीं है। हमसे नफरत मत कीजिए। हमारे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं है और जब हमारे भाइयों को पता चलेगा हमसे ज्यादा वो तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हारी मां भी। अब क्या होगा? हमने सोचा भी ना था कि ऐसा सब कुछ होगा। अब हम क्या करें? इस मुंह को लेके अपने भाइयों के पास जाए? मां से तो हम नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। ये सब हमसे सहा नहीं जाएगा। हम वापस घर नहीं जाएंगे। क्या हुआ विकी? विकी, विकी क्या हुआ बेटा? बता तो सही, तू इस तरह क्या हुआ? गई, गई भाई साहब, इस घर की राजकुमारी चली गई। ये तो क्या कह रहा है विकी? ये कैसे? अगर अगर वो किसी और के साथ भाग जाती तो हमें इतना दुख नहीं होता, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस दिन प्रीति भैया ने हमें रोक लिया, वरना उसकी हड्डी पर क्यों रोक लिया उन्होंने हमें? पहले मत बुझा, जो भी कहना साफ साफ कहे। उस कमीने इंदर की सीने से लिपट दी और कहने लगी कि अब वो उसकी हो गई, उससे प्यार करती है वो। ये हमारे मुंह पे कहा उसने। इसने पल्लव ने? हाँ। अब वो इस घर में नहीं आएगी। माँ? उसी के साथ रहेगी वो। अब तुम क्या बेवकूफों की तरह खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? वो चली गई तो चले जाने दो, मरने दो उसे। जब उसे हमारे प्यार की परवाह नहीं तो तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? ये सब तुम लोगों के लाड़ प्यार का नतीजा है। तुम इन्हें तो उसे सर पे चढ़ा के रखा था ना, अब भुगतो, भुगतो इसे। फेंक दो उसकी सारी चीजें,
मिटा दो हर एक निशानी उसकी इस घर से। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसी लड़की। उसकी हर एक निशानी जला कर राख कर दो। रोशनी चली गई है मां, जाने दो उसे। लेकिन जिस कमीने ने हमारी पल्लो हमसे छीनी है, उस कमीने का टुकड़े करके हम इस हाथ में जला देंगे। क्या हुआ अंकल, कुछ पता चला? साहब कुछ जला दिया। जला दिया, निकाल दिया पल्लवी को घर से। अब क्या होगा? वो मैंने देखा, वो लोग प्लेन बना रहे थे। प्लेन? प्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर। चुप कर। बट उसका प्लेन था, बसे प्लेन वंदे मादा विदेश बाग कांबर में मल्टीगर से करना चाहिए। कुछ समझा? मैं तू मैं भी नहीं। अच्छा, लेकिन बाद में छोटा भाई आया। हाँ, छोटा भाई का प्लेन ये था कि इंदर को मरा तो परफेक्ट काटो करना चाहिए। ये प्लेन सब लोग माने। अब उन्होंने तय किया कि वो ये। आप समझा कितना डेंजर? मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, जो भी करना है वो आप लोग करो। क्या मुसीबत है, हो गई तसल्ली। अरे बोला था मत भेजो उसको। हाँ तो खुद क्यों नहीं गया तू? अरे मैं क्या को जाऊं, तू क्या को नहीं गया? अरे क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है, पल्लवी को घर से निकाल दिया उन लोगों ने, उसकी सारी चीजें भी जला दी। क्या? और अब वो लोग कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले ये लोग? यही तो अपन समझ नहीं पाया, सब उस पागल की वजह से। अरे हो गया ना, लेकिन अब जो वो करने वाले हैं वो बहुत ही बुरा होगा। इंदर, अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, तुम दोनों कहीं भाग जाओ। इसे कहते हैं हिंदुस्तानी शैंपेन। इंदर, ए इंदर, ए अरे ए कुत्ते बाहर निकाल। ए लेकिन आप कौन है? इंदर घर पर नहीं है, बात क्या है? हम देखने आए उस माँ बाप को जिसने अपने बेटे को जानवरों का चारा खिलाकर एक मूरत के जैसा बड़ा किया है, जिसकी मूरतता पूरी करने के लिए यहाँ पे 5-6 जानवर जैसे साथियों को बांध के रखो ताकि उस मूरत को कंपनी मिल जाए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हुआ क्या है। तुम्हारा बेटा हमारी बहन को भगा कर ले गया है, जिसे हमने हमारी बेटी की तरह पाला था। उस कुत्ते ने चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारी बहन को कहीं छिपा के रखा है। हमारे लिए तो हमारी बहन मर गई है, हमको ले जाइए वापस हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे बेटे को तो हम ढूंढ निकालेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे कुत्ते के। याद रखना है, फिर भले ही उसके सामने उसके माँ बाप क्यों ना खड़े हो। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। बंसल जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं, आप लोग बैठिए। सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग जाकर उसे ढूंढते हैं। किस लिए? सुना नहीं तुमने, वो उस लड़की को ले जाकर कहीं छुप गया। कहां जाकर ढूंढेंगे ऐसे लड़के को, और क्यों ढूंढे? भटकने दो उसे यहां वहां, जब थका हारा घर वापस आएगा तब देखेंगे क्या करना है।
और वो लोग इंदर के साथ मारपीट भी कर सकते। करने दो। अगर उसने वो सब कुछ किया है जो इल्जाम इन लोगों ने उस पर लगाए हैं तो वो इसी लायक है। और तुम क्यों दुखी हो रही? दुखी तो मुझे होना चाहिए, भलती मेरी। मैंने उसे एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह पाला, बस उसी का फल भुगत रहा हूं। और वो जो आदमी आया था उसकी जबान सुनी तुमने? उससे तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा है उस लड़की की नस्ल क्या है, उसकी औकात क्या है? पर मेरी मां थी कि मेरा इंद्र ऐसे कुछ कर सकता। मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन ठीक है, फिर तुम ही बताओ कि क्या करना है, मैं वही करूंगा। इंदर, इंदर, अब तुम्हें इस शहर में एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए। वो लोग खून खराबे पे उतर रहे हैं, जो मिलता उसे मार रहे हैं। देख दोस्त, तुम दोनों को साथ में देखकर अपन को अच्छा लगता है, पर डर भी लगता है कि कहीं इस रिश्ते पर दाग ना लग जाए। तुम्हारे लहू के, इसलिए अगर अभी आप दोनों अपना फैसला बदलना चाहते हैं तो नहीं, नहीं। अब इस रिश्ते पे कोई दाग नहीं लगेगा। हम जाएंगे मेरे घर, मार पापा के पास। हाँ, मेहंदी, कुमकुम और हल्दी की मोहर लगेगी इस रिश्ते पे। तो चलो, हम अभी इसी वक्त चलते हैं। इंदर, चलो गाड़ी में बैठो। चलो, सिर्फ तुम आओ। लेकिन पापा पल्लू? जानता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ तुम आओ। लेकिन पापा पल्लू के बगैर? उसके बगैर क्या? मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने के लिए तुम्हारे घर में कोई है जो दिन रात अपनी नींदें खोकर मंदिर मंदिर तुम्हारे लिए मिन्नतें मांगती भटक रही है? मैंने इतने सालों में तुम्हारी मां को कभी दुख नहीं पहुंचाया, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसे कोई दुख पहुंचाओ। तुम्हारी मां को जिस लड़की की तलाश है, ये लड़की उसे कोसों दूर है। पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं पल्लू के बगैर नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, और जहां तक इस लड़की का सवाल है, इसे ये लोग उठाकर इसके भाइयों के घर फेंक देंगे। ले जाओ इसे। अपने पापा के साथ मत ले, हम जाते हैं, चले जाते हैं। रुक जाओ, रुको, रुक जाओ सब लोग। तुम्हारे हुए नहीं, ये मेरी पसंद है और मैं इसे मां के पास ले आऊंगा। इसके बगैर मैं नहीं आऊंगा। आओगे, तुम अकेले ही आओगे, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी मां से वाकई लगाव है, और अगर वाकई तुमने अपनी मां की कोख से ही जन्म लिया है, तो आज शाम तक इस लड़की को घर पर छोड़कर तुम घर आओगे। वरना अगर इसके भाइयों ने तुम्हारी गर्दन काट कर मेरे सामने जमीन पर भी फेंक दी ना, तो मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं टपकेगी। इसलिए तुम आओगे, जरूर आओगे। आओगे ना? अब तुम लोग किधर जाएगा? अब ऐसे पुतलों की तरह क्या खड़े हो? चलो अपन के साथ अपन के घर, उधर दिखाता है प्यार क्या होता है। हाँ, बहुत बड़ा बंगला नहीं है, एक छोटा सा झोपड़ा है अपन का। अपन का बाप एक गरीब मछुआरा है, पर दिल बहुत मजबूत है उसका, अपना हक के वास्ते कुछ भी कर सकता है।
दरिया दिल है। अपन तुम लोग को उधर लेके जाएगा, उधर तुम लोग को कोई छोएगा भी नहीं, अपन के बाबा के पास।
बाबा 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 होश में आ बाबा, बहुत पिया है तू, अभी तो सुन अपने को क्या कहने को मांगता है बाबा। कौन तुम्हें? अरे अपन का पोरगा पीटर, अरे अरे किधर से आया तू मैन, अपन तुमको देखा ही नहीं। अरे बाबा तुम ऐसा मच्छी के माफिक पिएगा तो कैसा सुनेगा, कैसा देखेगा तुम। चलो अपन का दोस्त लोग भी साथ में आए लाए। अपन का पोरगा का दोस्त लोग, अरे किधर को है, अपन को दिखाई नहीं देता है, किधर है अपन का पोरगा का बाबा, उधर है उधर है। ए पोरा तेरा दोस्त तो एकदम छोकरी का माफिक देखता है। बाबा छोकरी के माफिक नहीं, तो छोकरी से छोकरी से। हाँ बाबा ये पल्लवी है और ये अपन का दोस्त इंदर, ये छोकरी के साथ इसको शादी करने को मांगा। तो आज उन तक शादी नहीं बनाया? नहीं। अंकल इधर देखो, अपन को ऐसा लगता है ये पीटर बाबा कुछ तकलीफ में है, वो तुम्हें को कुछ बोलना मांगता है। बाबा ये इंदर है ना, ये छोकरी को अपनी जान से भी जास्ती प्यार करता है, छोकरी भी उसे बहुत पसंद करती है, पर दोनों का घरवाला दोनों को एक नहीं होने देता है। बाबा वो लोग इधर भी आएंगे। बस्ती का लोगों, ये पोरगा पोरगी अगर इधर रहेगा तो किसी को कोई तकलीफ है, कोई वांदा है? नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं। फिर तो तुम ही लोग चिंता नहीं करो, ये कोलवा बीच का किनारे से तुम्हें लोग को कोई नहीं ले जा सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन अपन को भी तुम्ही लोग का एक जुबान, एक प्रॉमिस मांगता है साथ रहने का। वो क्या है कि अपन गरीब मछुआरा लोग अपना इज्जत भी दांव पे लगा देता है ना, क्या जी? जी हम हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं, कभी जुदा नहीं होंगे। तो आज से ये लोग अपना कोलवा बस्ती का बच्चा लोग हैं। कोलवा बीच बस्ती को देखने के वास्ते कुछ मेहमान लोग आता है, उनका अच्छी तरह से स्वागत करना मांगता है। ये पीटर का घर किधर है? देखो मुझे पता है कि उसका घर कहाँ है। ए वो पिंटो का घर कौन सा है? पिंटो का घर बोला है ना, तुम लोग अपना काम चालू रखो। देखो कहा है रे तेरा पिंटो, है सुनाई नहीं देता क्या? इधर ही जा। ए तुमको क्या काम? वो तुम्हारा पीटर एक लड़का और लड़की को यहाँ पे भगा के लाया है, कहा है वो दोनों? उस लड़की को तुम कसीर के रास्ते पे फेंक देंगे, लेकिन उस हरामजादे को तो काट ही डालेंगे हम। वो अपन का झोपड़ा है, बच्चा लोग उसका अंदर है, जाओ जाके ले जाओ, ले जाओ। अरे आओ साला कुतरिया लोग आओ, अरे दम है तो आओ, हम भी देखते हैं कैसे पौड़िया लोग हमारे झोपड़ा से बच्चा लोग को ले जाते हैं। ये सब जंगली पन छोड़ो, हम सिर्फ उस लड़की को लेने आए और उस लौंडे को जो उसे भगा कर लाया है। ऐसा क्या? तो तुम लोग मारकाट नहीं करेंगे ना? अबे हमको जो करना है वो करेंगे, तू कौन होता है हमको पूछने वाला? हरामजादे झोपड़े में जवान लड़के लड़की को छुपा के रखता है, कमीने बाहर निकाल उनको। एक अच्छा पोरगा और एक अच्छी पोरगी अपन का कोलवा बीच का बस्ती में मदद के वास्ते आया है, ऐसा कैसा धक्का मार के बाहर निकालेगा उनको? हम भी देखता है किसमें कितना ताकत है, देखता है कौन निकालता है उनको बाहर। ए, उन दोनों को बाहर निकाल, मर रहा तुझे ऐसी मौत देंगे कि सारी बस्ती खून से रंग जाएगी। ओ बेटे करके दिखा, बातें न को हो
आज तक जो भी कोलवा बीच पर लड़ने का वास्ते आया है वो इधर से जीत कर वापिस नहीं गया है। अगर अपन का लोग के ऊपर कोई उंगली भी उठाएगा तो उसका पूरा हाथ काट के फेंक देगा। यही कोलवा बीच का इतिहास है। अरे दो मासूम बच्चा लोग एक दूसरे को पसंद करता है वो अपन का कोलवा बीच पर सहारा लेने को आया है। वो जितना मर्जी चाहे इधर रह सकता है, हमारा होते हुए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पास्कल, यस अंकल, दोनों बच्चा लोग को बाहर लेके आओ। माँ का दूध पिया है तो लगाओ इनको हाथ। काहे गूंगे हो गए सारा हरामी कुत्रिया लोग। अगर तुम एक बाप की औलाद है तो इन दोनों को फकत छू के दिखाओ। ठीक है, आज के बाद हम उसे कभी नहीं छुएंगे। आज के बाद हम तुझे कभी नहीं छुएंगे। जिस तरह तूने हमें इन सब लोगों के सामने ये सब कुछ सुनने पे मजबूर किया है, ठीक है? हमने सोचा था तू अपने भाइयों को देखकर रोती हुई दौड़ती हुई हमारे सिरे से लिपट जाएगी। हमने सोचा था बस 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 अब और नहीं। तू रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन तेरे लिए हमारे घर के हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके। तेरे लिए अब हमारे पास कोई जगह नहीं है, न उस घर में न हमारे दिल में। अरे बस करो भैया, बस करो, मुर्दों से क्या बात करना। चलो चलो, अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, चलो जाओ। तू फिक्र नहीं करना, क्या यहां तेरे को मन का शांति मिले ऐसी जगह पे जाके बैठो। जाओ जाओ। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अपने भाइयों के बारे में? हमारे भाई, माँ और सबके बारे में। तुम्हारे सामने तुम्हारे भाइयों को अंकल जोजो ने जब गालियां दी तब मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम्हें यकीन था कि पहले वो हमारे खिलाफ होंगे और सब आखिर में मान जाएंगे, क्या अभी ऐसा मानती हो? नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो मान जाएंगे, बस एक ही इंसान है जो सब कुछ समझ सकता है। कौन? मेरी माँ। वो पापा थे जो मना कर रहे थे, लेकिन अगर मैं माँ के कदमों में तुम्हारी भीख मांगूंगा तो वो जरूर मान जाएगी। मैं जाकर उसे मिला हूं इस वक्त। हाँ? अकेले? हाँ, लेकिन इन लोगों को बताए बगैर, वरना ये लोग मुझे जान नहीं देंगे। मैं जल्दी लौटूंगा शायद माँ के साथ। अकेले मत जाओ अंदर, हमें डर लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे मत रोको प्लीज। मैं जाऊं? जाओ मत, कहो कहो, जाकर आता हूं।
छोड़ा है? मैं पूछता हूं, उस लड़की को घर छोड़ा या नहीं? नहीं। तो यहां क्यों आया? मैं मां से मिलना चाहता हूं। तुम मां से नहीं मिल सकते? मैं मिलूंगा, अगर मां कहती है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, पल्लू को देखना नहीं चाहती, मेरी खुशियों के खिलाफ है, तो मैं चला जाता हूं। जब तक तुम उस लड़की के साथ सारे नाते रिश्ते नहीं तोड़ डालते, तुम मां से नहीं मिल सकते। यही बात मैं मां के मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लड़की जिसे तुम कल ही मिले हो, वो तुम्हें अपनी जन्म देने वाली मां से ज्यादा अजीब लगती है? तो फिर तुम्हें मां से मिलने की जरूरत क्या है? मैं मिलकर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरी मां मान जाएगी। और अगर मान गई ना, तो फिर मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, आपकी भी नहीं। मैंने कहा ना, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलना नहीं चाहती। मुझे यकीन नहीं आता। मैंने बोला ना। क्या कर रहे हैं आप पापा? चलो यहाँ से। क्या हो रहा है? पापा मुझे छोड़ दे प्लीज। तुम्हारी माँ क्यों जिद कर रहे हो इंदर? तुम जब तक उस लड़की का साथ नहीं छोड़ देते, उससे नहीं मिल सकते। ये बात मैंने तुम्हारे पापा से कही थी, और अब तक उन्होंने जो कुछ कहा, ये मेरा ही फैसला था। तुम लाख गिर गिराओ, ये फैसला नहीं बदल सकता। तुम समझते क्यों नहीं इंदर? हम तुम्हें जानबूझकर अंधेरी खाई में नहीं ढकेल सकते। हमने जो भी फैसला किया है, तुम्हारे भले के लिए किया है। बेटे तो भटक गया है, अभी वक्त है, देर हो गई तो सही रास्ता कभी नहीं मिलेगा। उस लड़के से माफी मांग, उसे अपने घर वापस करके आ। नहीं मां, दुनिया का हर बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मां से प्यार करता है, मैं भी करता हूं, लेकिन पल्लू भी अपनी मां, अपने भाइयों को बहुत चाहती है। अगर वो अपने प्यार के लिए मेरे भरोसे पे सबको छोड़ के चली आई, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन अगर आपको मंजूर नहीं, तो मुझे यहां रहने का कोई हक नहीं। मैं जा रहा हूं इंदर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रुको, मुझे नहीं जा सकते। प्लीज मुझे जाने दो। तुम रुक जाओ इंदर, रुक जाओ। क्या कर रहे हैं? अंदर चलो इंदर, रुक जाओ। क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं? हम इसे भेज नहीं रहे, ये अपने आप जा रहा है। इंदर अब बड़ा हो गया, इसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं। जाने दीजिए इसे। आप इस तरह क्या देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया? आप चिंता मत कीजिए, मैं इंदर को जानती हूं, वो उस लड़की को घर वापस करके जरूर आएगा, जरूर आएगा। अब अगर तुम लोग सावधान नहीं रहोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। छोकरी का भाई पुलिस में है, जवान छोकरी को घर में कैद करने के जुर्म में तो वो कोर्ट से ऑर्डर लाएगा, तुम सबको अंदर कर देगा। तो बताओ मैन, अपन को क्या करना मांगता है? शादी। अपन लोग एक बार छोकरा छोकरी का शादी करवा देता है, रजिस्टर्ड मैरिज। एक बार शादी हो गया, फिर कोई पुलिस कोई कोर्ट अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काय अंकल, अपन रजिस्ट्रार को इधर ला सकता है? इतना सारा मांगता है? कल सुबह जब दरिया में सूरज निकलेगा ना, अपन रजिस्ट्रार को बांधकर कोलवा बस्ती में हाजिर करेगा। बस हाँ, बस ये लो। ये क्या है? शादी का जोड़ा है भाई, हमारे प्यारे दोस्तों के लिए प्यारा सा तोहफा। इंदर जल्दी से तैयार हो जा, बाबा ने एल्बर्टो को भेजा है रजिस्ट्रार को लाने के। बस एक बार शादी हो जाए ना, तो अपन को थोड़ा शांति मिलेगा। अरे खड़े काय को, जा फुला रहा है कि देखो यार। जाते जाते रेडी फास्ट। हम तैयार हो जाएं। हेलो जी, कुछ देर बैठोगी मेरे साथ?
तुम बहुत मायूस लग रही हो। अभी तो खुश नहीं लग रहे, हम कब से देख रहे हैं, हम जानते हैं। हम ऐसे क्यों हो गए? हमें नहीं पता। तुम इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं, वो बात नहीं, पर हम चाहते थे कि जिस घड़ी आप और हम एक हो रहे हो, उस वक्त हमारी माँ और भाई हमारे साथ हो, ऐसा चाहता हमने। सही कहती हो, मैंने भी ऐसे ही चाहा था कि मेरी माँ और मेरे पिता साथ में हो। फिर वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है? जानबूझकर तो कुछ नहीं हुआ, बस हो गया। क्या वो हमें माफ नहीं करेंगे? उनका प्यार हम पर कुछ ज्यादा है, शायद इसलिए। कल जब आप मां से मिलने गए थे तो उन्होंने क्या कहा? मां ने कहा कि हम जानबूझकर तुम्हें अंधे कुएं में नहीं धकेल सकते। सही कहा, सही कहा मां ने। जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करे वही हमें ठुकरा दे, इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? इंदर, एक बात पूछे तुमसे, यूं ही पूछो। हम अलग हो जाएंगे। क्या कहा आपने? हाँ, यही कहा था मैंने। मेरी पल्लू हमेशा खुश रहनी चाहिए, उसे मेरी वजह से कोई दुख नहीं होना चाहिए। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तुम भी? मैं भी। जाओगे ना? जाऊंगा। माँ से कहोगे ना कि हमें माफ कर दे? हाँ। कहिएगा कि हमने उनका बेटा लौटा दिया। कहूंगा। बस अब हम जरा भी मायूस नहीं है, आप भी दुखी मत होना। तुम भी। वादा? वादा। बुलाओ। अच्छा अच्छा, अरे पिट्रो जल्दी लेके आओ, बचा लोग को। अरे बच्चा लोग किधर है, जल्दी बुलाओ। ओ जीसस, एक आए, ये लोग अजुन तैयार नहीं। हम ये शादी नहीं करना चाहते, हम अलग हो रहे हैं।
तुम लोगों ने शादी नहीं करने का फैसला किया है? जी हाँ, और ये हम दोनों का फैसला है। ये क्या बखेड़ा खड़ा किया है तुम लोगों ने? ये सब इंतजाम किसे पूछ कर किया है? दूसरों को क्यों तकलीफ देते हो? सर 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 प्लीज प्लीज रुक जाइए सर प्लीज। ये लोग जब शादी नहीं करना चाहते तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अपन ये सब इसका वास्ते किया कि तुम दोनों कभी अलग नहीं होएगा। तुम दोनों प्रॉमिस दिया लाना, बोलो दिया था कि नहीं? तो फिर काहे को ये सब? ओह गॉड, अपन को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुम ही बच्चा लोग को अपन को ऐसा बेइज्जत करने को नहीं मांगता था रे? ये क्या गलत बात कर रहे थे तू? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हर किस के लिए हमने दो दिन से अपनी नींद खराब की ताकि तुम हमें धोखा दो? यू आर चीटिंग सिंदर। तू मेरी बात सुनेगा यार? कुछ मत बोल, कुछ नहीं सुन रहा है अपन को। बहुत इंसल्ट कर लिया अपन का सबके सामने। बहुत अच्छा दोस्ती निभाया तूने। अरे कुछ बात होता तो बोल तो सकता था, अपन तुम लोग को यहां पर लाता ही नहीं था। वाई पल्लवी वाई? क्राइस्ट, कोई जाने ना जाने, आप लोग तो जानते हैं कि इंदर हमें कितना प्यार करते हैं। आप लोगों से ज्यादा दुख तो हमें होना चाहिए। जितने अच्छे आप हैं उतने ही अच्छे लोग हमारे घर में हैं, जो हमें आपके जितना ही प्यार करते हैं। कितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने हमें पाला है, क्या क्या सपने देखे हैं उन्होंने हमारे लिए। तो क्या ये जायज है कि हम अपने ही सुख के लिए उनकी सारी खुशियों को मिटा दें? दलन, जिमी, क्या तुम अपने घर वालों का दिल दुखा सकते हो? तुम अपने बाबा के साथ ऐसा कर सकते हो? इंदर हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं हमें, फिर भी हमें अपने घर वापस भेज रहे हैं। जब हम अपने बड़ों की खुशियों के लिए अपना प्यार कुर्बान कर सकते हैं, तब आप लोगों को भी हमसे सहमत होना चाहिए। हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनकी जगह ले सके वैसे सिर्फ आप ही हैं। आप हमें आशीर्वाद दें और हमें अपने प्यारे घर वालों के पास भेज दें। और ये तुमको नहीं लगता है कि माफी तो अपन को तुम लोग से मांगना मांगता है? अभी अपन समझ गया है, तुम लोग को बराबर समझ गया है। धनी है वो माई बाप जो तुम जैसा अच्छा बच्चा लोग को जन्म दिया रहे, धनी है। पहली बार सुना था ना तो अपन को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन अभी अपन तुम लोग के फैसले को सलाम करता है। ये सबक तो सभी बच्चा लोग को सीखना मांगता है। अभी और क्या बोलूं, तुम लोग बड़ा बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है, आसमान से भी ऊंचा। होने दो, जैसा तुम चाहता है ना वैसा ही छोने दो। जाओ जाओ।
God bless you. इंदर, इंदर अपन घर पे हाथ उठाए, अपन को माफ कर दे यार, माफ कर दे। क्या कर रहे हैं यार? जा, पल्लू को घर छोड़ा। हम जा रहे हैं, कभी हमसे मिलने आओगे ना? क्या हुआ सूरज? माँ, माँ ये देख, ये ऑर्डर निकल चुका है। वो साला कमीना किसी भी वक्त जेल की सलाखों के पीछे होगा, और बाद में पल्लों को वहां से घसीट कर ले आएंगे यहाँ पे। कहाँ ले आओगे, कहाँ ले आओगे तुम लोग? भूले से भी उसे यहाँ मत ले आना, इस घर में कदम भी मत रखने देना उसे। अगर उसे रखने के लिए कोई जगह न मिले तो किसी अनाथ आश्रम में डाल देना। उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हम जानते हैं तुम कभी कुछ भी गलत नहीं करोगी और ना ही हमें दुख पहुंचाओगी, हम जानते हैं। लेकिन तुम्हें तुम्हें क्या हो गया है बेटे? हाँ, ऐसा क्यों किया बोल? क्या आप हमें माफ नहीं करेंगे भैया? अरे माफी किस लिए पगली, तुम तो इस घर की रोशनी हो। गया अपने पापा को भूल गया था,
अपने पापा को भूल गया था। पापा लगता है लगता है लगता है और मुझे मुझे कितनी चोट पहुंची वो भूल गया तू। डरा दिया था। अब देखता हूं तू मुझे कैसे छोड़ के जाता है। अब देखता हूं नहीं जाएगा तू। अच्छे लड़के को ढूंढकर जल्द से जल्द हमारी बेटी की शादी करवा दो। जल्द से जल्द सूरज। माँ पल्लो की शादी तो हमारा सबसे बड़ा सपना है, ऐसे कैसे जल्दी में? हम कुछ नहीं जानते, ये शादी हो जानी चाहिए। अगर ये इसी हफ्ते में होती है तो इसी हफ्ते में। वो हंसती है गाती है मगर अब भी उसके सीने में वो आग जलती है जिसे बुझाए बगैर ये मां सो नहीं सकेगी। इतना याद रखना। इंदर इनमें से बताना तेरी पसंद कौन सी। हाँ मुझे मत पूछो और किसी से मत पूछो, मुझे यकीन है जिसे तुम मेरे लिए पसंद करोगी ना वो सबसे अच्छी होगी। अजीब मुसीबत है। सुनिए बैठिए ना। क्या बात?
मेरी मदद करिए ना पसंद करने में। जी नहीं, आप ही तय करिए, आप ही ठीक हो, इसीलिए उसने कहा था कि और किसी से मत पूछना। बाय। अब मैं ठहरिए, मैंने तो पल्लवी को देखा नहीं, पर आपने तो उसे देखा है। उसके जैसे किसी को ढूंढ कर दीजिए ना, मैं पसंद कर लूंगी। चंद्रिका, पल्लवी ने हमारे बेटे के दिल की गहराइयों में जगह ले ली है, वो उसकी आत्मा है। वो उसे छोड़कर यहाँ चला आया है सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहता है। उतनी चाहत, उतना प्यार अगर तुम वापस उसके दिल में भर दो, उससे अच्छा कुछ नहीं। तुम्हें इंदर के लिए पल्लवी जैसी नहीं, उससे भी अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। और याद रहे, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। हमारी गुड़िया की शादी इसी हफ्ते हो सकती है जैसा कि आप चाहती थी। राइट? हे देवी माँ, आज तूने मेरी सारी प्रार्थना और मिन्नतों का जवाब दे दिया। माँ, सोने जैसा लड़का है, तुम बड़ी भाग्यशाली हो पल्लो। लेकिन लेकिन सूरज बेटा, लड़का कौन है? अरे माँ, लड़का इतना अच्छा है कि जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा? और अब तो खुद आ रहा है, खुद ही देख लेना, वो हमारी गुड़िया को जरूर पसंद आएगा और उसे हमारी पल्लू भी। क्यों? फिर तो वहाँ सिर्फ लड़की देखने की रस्म बाकी रह जाएगी। लेकिन चेची, ये रस्म है किस दिन? अगले इतवार को। माँ, आखिर हमें वो राजकुमार मिल ही गया जो खुद ही आकर हमारी राजकुमारी को ले जाएगा। क्यों? अरे देखो देखो देखो, हमारी परी के तो पर निकल आए। अरे बापरे बापरे, बाकी बाकी, अरे बाकी बाकी बाकी। पापा, ये पल्लवी की चैन मेरे पास रह गई है, अब इसे वापस कैसे करेंगे? इंदर, हाय, क्या हाल है यार? हाय। पता चला है कि पल्लवी की शादी तय हो गई है, हमने सोचा तुम्हें बता दे। लड़का अमेरिका में इंजीनियर है और शादी के बाद पल्लवी हमेशा के लिए वहीं सेटल होने वाली है। इधर ही। मैं चाहती हूँ कि उस लड़की की शादी हो जाए, उससे पहले हम इंदर की शादी करते। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्या खुद हम जाकर ये चेन लौटा नहीं सकते? क्यों? क्यों? मैं पल्लवी को देखना चाहती हूँ, वो लड़की जिसने मेरे बेटे का दिल जीत लिया। पल्लू, उसे एक बार मिलना चाहती हूँ। और फिर आप ही ने तो कहा था मुझे इंदर के लिए उससे अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। ले चलिए ना मुझे, ये चेन लौटाने के बहाने मैं एक बार पल्लवी को देख लूंगी। फिर देखना, दुनिया के किसी भी कोने से उससे अच्छी लड़की मैं ढूंढ कर लाऊंगी अपने इंदर के लिए। ले चलिए ना। पृथ्वी, नमस्कार। हम अंदर आ सकते हैं? हमने सुना शादी तय हो गई, इस घर की बेटी उसकी चेन इंदर के पास रह गई है, हमें अभी भी पता चला है। बस वही लौटाने आप लोगों के पास चले आए।
और इंदर की वजह से जो आप लोगों को तकलीफ पहुंची उसके लिए वो आपसे माफी मांग ले। बस इतनी सी बात है, आप अंदर आइए ना, आइए ना आप। उस दिन जो हम लोगों ने गुस्से में आपको अनाप शनाप बका था तो सोचा था कि आपसे मिलकर भूल जाने की अर्ज करें। नमस्ते। प्लीज आइए, आप लोग आइए ना, प्लीज आइए। इंदर के माता पिता, अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए बैठिए ना, आप मेरे साथ आइए, आइए प्लीज बैठिए बेटा, आप लोग भी बैठो, बैठो आओ भाई, बैठो आइए बैठिए। लक्ष्मी, सुधा, देखो तो कौन आया है, जरा वहां जाकर बैठो। अरे पल्लू जी, चाय शरबत कुछ जल्दी ले। हाँ। बैठिए ना। हाँ। बैठिए। शादी वाले घर में आप ही सबसे पहले मेहमान हैं। तारीख तय हो गई जी? शादी की तारीख नहीं, लड़के वाले जल्दी में अगले गुरुवार तक हो जाएगी ना। वो लोग आज ही अमेरिका से आए। अच्छा, पल्लू, पल्लवी किचन इंदर के पास रह गई थी। मेरे बेटे की नादानी की वजह से आप सबको जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, भूल जाइएगा सब कुछ। नहीं नहीं, वो सब बातें आप क्यों करें, बेवजह जिससे हम सबको पीड़ा भुगतनी पड़े। हाँ। बस अब तो यही चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये हादसा भूल जाने की देवी माँ हम सबको शक्ति दे। हमने आपके बेटे को देखा तक नहीं, इनमें से कौन है वो? इंदर, माँ तुम्हें मिलना चाहती है। खुश रहो जी। जी पल्लवी ने कोई गलती नहीं की, सब दोष मेरा ही था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, तुमने हमारी बिटिया हमें लौटा दी, इसके लिए हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेटे, तुम दुखी मत हो ना, जो हुआ सो हुआ, अब कारण जो भी हो। वैसे पल्लो ने हमें राजी कर लिया है कि उसकी शादी के निमंत्रित लोगों में सबसे पहले मेहमान तुम्हारी माँ होनी चाहिए। आप बैठिए ना, बैठिए। Thank you.
पल्लू बुआ से शादी करने आए हो? नहीं। तो फिर क्यों आए हो? चल चलो भागो यहां से। तो हम इजाजत चाहते हैं, यहां आकर आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते। थैंक यू। चलो भाई हम चलें। नमस्कार। हम चलते हैं जी। आपने हमारी बेटी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप लोग यहां से चले जाएंगे तो हम अपनी बेटी को फूट फूट कर रोते हुए नहीं देख पाएंगे। उसकी शादी है, कम से कम उसे आशीर्वाद तो दे दीजिए। क्या आशीर्वाद दूं मैं इसे? कैसे आशीर्वाद दूं मैं इसे? ये मेरी बेटी है ना, तो फिर आप मुझे दे क्यों नहीं देते? मैं इसका जतन करूंगी, दे दीजिए ना मुझे। ले जाओ, ले जाओ उसे और दे दो उसके उसके मन का लड़का उसे। क्या कहा आपने? हाँ, ये बात सिर्फ एक माँ ही कह सकती है। अरे, दिखाई नहीं देता तुम्हें किस तरह वो अपने फटे कलेजे के दर्द को अपनी आंखों में रोक कर चुपचाप खड़ी है। बच्चों, जो वो चाहती है हो जाने दो। माँ, हम भी यही कहना चाहते थे। हाँ माँ, भैया से पहले हम भी यही कहना चाहते थे। बच्ची, हमने तुझे बहुत दुख दिया है नरे। इससे अच्छी लड़की मैं इंदर के लिए कहाँ ढूंढ पाती? क्या खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है हा? अरे बुला ले अपनी मोहब्बत को, ले चल चल जा। नहीं, हरगिज नहीं। तुम ऐसे बुला के इसे नहीं ले जा सकते। हम उसे विदा करेंगे सच्ची दिल से। लो संभालो हमारी बहन। लो हीरो, उड़ा ले अपनी दुल्हन को। अब कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं, तुम आजाद हो, ये दुनिया तुम्हारी है। अरे वहां क्या पुतले की तरह खड़े हो? डोली हमने सजा दिया, अब उठाए भी हम क्या? अरे आओ ना यार। Da-da-da!